हेलो फ्रेंड्स, व्यू टेक्नोलॉजी की इस चैनल में आपका स्वागत है। और इस ट्यूटोरियल में हम डू व्हाइल लूप के बारे में जानेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डू व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है और उसके बाद फिर लूप रिपीट होता है। ओके, और उसके बाद वो लूप रिपीट होता है जब तक कि वो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती है। ओके, सो इसका एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमको इजीली समझ में आ सके। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट करते हैं एक, उसका नेम रख देते हैं लैपटॉप। ओके, और उसकी वैल्यू कर देते हैं 1। उसके बाद यहाँ पर हम डू का लूप चलाएंगे। ओके, और डू का लूप चलाने में यहाँ पहले कंडीशन नहीं लगेगी, जैसे कि इसके पहले वाइल लूप में आपने देखा था कि पैरेंथेसिस पहले यूज हुआ था, यानी कि इसमें हमने पहले ही कंडीशन लगा दिया था, बट डू लूप में ऐसा नहीं होगा। ओके, डू व्हाइल लूप में सबसे पहले यहाँ पर हम जो भी प्रिंट कराना चाहेंगे उसको प्रिंट कराएंगे। ओके, यहाँ पर हम एको करा देंगे, यानी प्रिंट कराएंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पर इस लैपटॉप को, यानी ये जो लैपटॉप है, ओके, यहाँ पर इस वेरिएबल को हम यूज करेंगे। ओके, या फिर इसका एक और एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले समझने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर वाइल लूप यानी कंडीशन लगा देंगे। ओके, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो डू का लूप चलाया है हमने, और उस कोड ब्लॉक के बाहर यहाँ पर वाइल लूप हम चला रहे हैं। ओके, यानी कि कोड ब्लॉक के बाहर हम यहाँ पर कंडीशन लगा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हम वेरिएबल यूज करेंगे लैपटॉप। ओके, और उसके बाद लेस देन इक्वल टू, यानी कि वो कंडीशन जब तक चलती रहेगी, वो लूप जब तक चलता रहेगा जब तक कि 20 तक वो ट्रू ना हो जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसको सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम जो प्रिंट कराना चाह रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एको, यानी जो प्रिंट कराना है उसके लिए यहाँ पर हम लैपटॉप यूज़ करेंगे वेरिएबल, और उसमें प्लस प्लस यानी 1 वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, यानी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। ओके, ऐसे ही हर बार इसमें 1 वैल्यू ऐड होती रहेगी। ओके, तो इसमें इस डू लूप में, यानी यहाँ पर क्या है डू व्हाइल लूप में, कि सबसे पहले यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी पहले प्रिंट होगा, उसके बाद यहाँ पर लूप फिर से रन करेगा, रिपीट करेगा, फिर उसके बाद ये कंडीशन यहाँ पर यूज होगी, और ये कंडीशन जब तक ट्रू नहीं हो जाएगी तब तक वो लूप रिपीट करता रहता है। ओके, सो यहाँ पर इसको कंट्रोल एस कमांड से सेव करते हैं। ओके, ब्राउजर पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये जब तक 20 तक नहीं प्रिंट हो गया तब तक ये लूप रिपीट होता रहा, यानी कि पहले ये प्रिंट कर देगा, उसके बाद यहाँ पर वाइल लूप ये कंडीशन यहाँ पर फिर ये कंडीशन चलेगी। ओके, और ये कंडीशन जब तक चलती रहेगी जब तक कि 20 प्रिंट नहीं हो जाएगा। ओके, अब इसको ऐसे सीक्वेंस में प्रिंट कराने के लिए, यानी यहाँ नीचे सीरियल में प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर हम BR यूज़ करेंगे, लाइन ब्रेक। ओके, ये HTML का टैग है BR। ओके, और इसको डबल कोट्स में यूज करेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ डॉट यूज करेंगे, कंट्रोल इस कमांड से सेव करेंगे, ब्राउजर पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 से लेके 20 तक। ओके, यानी यहाँ पर सबसे पहले ये जो डू लूप है ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये रिपीट होगा, और ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।